नमो वितरागाय, नमो नमो वितरागाय, अरिहंतानं, नमो नमो अरिहंताणं, सिद्धानं, नमो नमो सिद्धाणं, आयरियाणं, नमो आयरियाणं, नमो वज्जायाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुनं। नमो लोये सव्वसाहुणं, ऐसो पंच नमुक्कारो सर्व ऐसो पंच नमुक्कारो, पावप्पनाशनो सर्व पावप्पनासनो, मंगलानं च सव्वेसिं मंगलानं च सव्वेसिं, परमं हवै मंगलम्। परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, हे श्री सिमंदर स्वामी प्रभु, आपकी दिव्य पर्षदा का आपकी दिव्य पर्षदा हम सबको हम सबको यहाँ अनुभव हो, यहाँ अनुभव हो, अनुसंधान रहे, ऐसी अनुसंधान रहे, ऐसी कृपा कीजिए। कृपा कीजिए। हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, हे दादा भगवान वितराग परमात्मा, आप हमारे साथ आप हमारे साथ यहाँ विराजमान रहिए। यहाँ विराजमान रहिए। आपका अखंड निधि ध्यासन, आपका अखंड निधिध्यासन, आपका अखंड सानिध्य हमें आपका अखंड सानिध्य निरंतर बना रहे। मैं हमें निरंतर बना रहे। मन वचन काया से मैं मन वचन काया से बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। बिल्कुल भिन्न ऐसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं विशुद्ध आत्मा हूँ, मैं विशुद्ध आत्मा हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं परम ज्योति स्वरूप सिद्ध भगवान हूँ। मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। मैं दादा भगवान जैसा शुद्ध आत्मा मैं हूँ। विज्ञान स्वरूप हूँ, मैं विज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। मैं केवल ज्ञान स्वरूप हूँ। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। चलो तो तरु बहन के प्रश्न से आज सत्संग की शुरुआत होगी। तरु हाँ बहन, जी, जय सच्चिदानंद स्वामी जी। प्रश्न हाँ बात करें। कल जो सत्संग हुआ इसमें मुझे बहुत वो प्रश्न का ठीक से जवाब नहीं मिला, इसलिए सारी रात मैं सो नहीं सकी हूँ, पहली बात। और इसमें मुकेश भाई देसाई ने प्रश्न पूछा था कि जी देवी देवताओं का हम जो आराधन करते हैं तो वो हमारे जो कर्म आते हैं वो उसमें थोड़ा फायदा होता है कि नहीं होता है। बिल्कुल पहला तो वो उसका जवाब दीजिए, उसके बाद मैं कंटिन्यू करती हूँ। जी। तो पहली बात ये है कि दादा भगवान ने हमें इतना सब कुछ मर्म और मर्म के अर्क स्वरूप में दे दिया है, हाँ जी, जिसमें व्यवहार में आते हुए विघ्न उसमें भी सभी प्रकार से रक्षण मिले। और गुजराती में बोलते हैं, सुडी का घा सोई से सरे, ऐसे राइट, दादाजी की सब प्रकार का रक्षण और सब उनका महात्माओं के ऊपर है, और व्यवहार का और निश्चय का दोनों का दादाजी ने दिया है। आमतौर पे वितराग भगवंत व्यवहार में हस्तक्षेप नहीं करते हैं, मैंने निश्चय का ही देते हैं आमतौर पे। जो पूर्ण वितराग जैसे महावीर स्वामी थे, तो उनके सामने उनके शिष्य के ऊपर बहुत बड़ा उपसर्ग आ गया, मगर भगवान ने बोला कि मैं तो मोक्ष का दान देने के लिए आया हूँ। मगर ये दादा भगवान हमारे खटपटिया वितराग,
तो महात्माओं को दोनों दिया। इसलिए कविराज ने पद में लिखा कि कोई भी महात्मा को उपसर्ग आए, कोई भी महात्मा को परिसाए, दादाजी धरे छे बेउ हाथू, मोकले छे लश्कर आखू। वो लश्कर कौन सा है? तो सभी देवी देवताओं जो आपने बताया। तो दादाजी ने बहुत एक एक शब्द और वाक्य में पूरा विज्ञान उनका खुला किया था कि भाई हम सबके विनय में रहे हैं, सो हमारा नाम लेके जो भी करोगे आपको सभी तरीके की मदद मिलेगी। सो ना, अभी दूसरी बात, आपने जो पूछा देवी देवताओं का आराधन, तो व्यवहार में जो लोग होते हैं, हम भी जब अज्ञानी थे तब हम वितराग भगवंतों को नहीं मगर देवी देवताओं को पहले नमन करते थे, वो लालच से कि देवी देवता हमें काम में लगेंगे। काम में नहीं लगे, नहीं लगेंगे, या तो वितराग है। मगर यहाँ दादाजी की ने जो दृष्टि हमारे लिए खोल दी है, भाई निश्चय से आराधन सिमंदर स्वामी का है, ओम परमेष्ठी, पंच परमेष्ठी, तीर्थंकर भगवंत में, जिनमें परमात्मा व्यक्त है, हमारा निश्चय के लिए है। और निश्चय के साथ व्यवहार बाय प्रोडक्ट में मिलता ही है। बाद में दादाजी ने चौथे और पांचवे स्टेज में हमको नमस्कार करवाया कि वितराग शासन देवी देवताओं को नमस्कार करता हूँ, निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को नमस्कार करता हूँ। तो का तात्पर्य है कि जब हम वितराग भगवंत की आराधना करते हैं, जब दादा भगवान का नाम लेते हैं, तो बाय प्रोडक्ट में देवी देवताओं का राजीपन, जब जरूरत पड़े तब उनका आशीर्वाद हमारे कर्म का फल हल्का करने के लिए मिल ही जाता है। कोई महात्मा ऐसा बोले, मेरी समझ से तो कोई महात्मा ऐसा नहीं कर रहे हैं, विनय तो सबका करते हैं, हम वंदन भी करते हैं, दर्शन भी करते हैं। हाँ जी, संसार फल के लिए ही मैं कोई देवी देवताओं का आराधन करूं, मेरे ख्याल से दादा जी की ये दृष्टि और ज्ञान मिलने के बाद ऐसी दृष्टि हमारी नहीं रही। हाँ, मिलता जरूर है। तो कहने का मतलब है कि दादा भगवान ने हमें जो दिया है वितराग भगवंतों की आराधना, वो खुद है। त्रिमंत्र में दादाजी ने बोला कि सभी विघ्न को हल्का करने की सर्वशक्ति उसमें दे दी गई है। तो ये प्रश्न का उत्तर मेरे ख्याल से ये है कि हम निश्चय, मैं शुद्धात्मा हूँ, और जो दिया गया वो आराधन करते करते वो देवी देवताओं का राजीपन तो हमारी यात्रा में मिलने वाला ही है, मिल ही रहा है। और न केवल विघ्न आएंगे तभी, मगर मोक्ष मार्ग में चलते हुए भी उनकी कृपा, आशीष और आशीर्वाद हमें मिल रहे हैं। उसका एक एग्जाम्पल हम मेरे आपसे शेयर करूंगा कि सभी आप्त पुत्रों का हमारा अनुभव है कि हम जब बाहर जाते हैं, कई बार कोई पहचानता नहीं, संयोग जानते नहीं, मगर पता नहीं कौन सा ऐश्वर्य काम करता है। हम बोलते हैं ऐश्वर्य, मगर वो देवी देवताओं की भी सूक्ष्म कृपा हाजिरी धर्म ध्वजा रथ में अवश्य होती ही है। उसके बिना ये कुछ भी नहीं होता है। विघ्न की बात तो कभी कभी आती है महात्माओं को, मगर अभी भी जो यात्रा हमारी चल रही है, यदि वो हमारी खुद की है, सामूहिक है, सत्संग की है, आपने कई बार सब महात्मा ने अनुभव किया होगा, गुरु पूर्णिमा, जन्म जयंती जैसा प्रसंग हो, अगले दिन शाम तक वातावरण और होता है, उस दिन तो कुछ और ही हो जाता है, और ही होता है। वो सब देवी देवताओं की हाजिरी होती ही है। क्या होती है? मगर होती है। और पे क्या है हमारे पास? तो के वितराग भगवंत की आज्ञा, वितराग भगवंतों का मार्ग, में शुद्धात्मा हूं और उसके ऊपर मैं चलूं, और देवी देवताओं तो मेरे मार्ग में अवश्य साथ में मुझे सहाय करते ही रहेंगे। और जब कोई विशेष विघ्न आ गया तो दादाजी ने रास्ता बतलाया कि भाई आप एक घंटा असीम जय जय करो बोल के साकड़ खींचो, त्रिमंत्र की साकड़ खींचो। वो अल्टीमेटली दादा का यशनाम कर्म से जिनको जरूरत होगी वो देवी देवता हमें मदद कर लेंगे। मगर पहले जो हमारी समझ थी कि भाई हम देवी देवताओं का पूजन करेंगे तो हमारे विघ्न हटेंगे, अभी वो दृष्टि महात्माओं को रखने की जरूरत नहीं है। वाकई तो जरूरत है। अभी कोई उसमें यदि और प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। नहीं, आई एग्री विथ यू, क्योंकि ऐसा है कि भाई हम संसार में रहते तो हमारे पास दो दो चीजें, निश्चय और संसार व्यवहार।
तो इसमें भी 33 कोटि देवता जो आराधना हम नहीं कर सकते अथवा नहीं करना चाहिए अथवा करो तो उसका कुछ फल नहीं मिलेगा, तो 33 को अंधेरा वो जो बोलते हैं ना अंधारी कोटि 33 देवी देवता हो तो क्यों बुला रहे हो? नहीं करना चाहिए ऐसा प्रश्न ही नहीं उठता है। कल ऐसा जवाब मिला था इसलिए मैं आपको पूछ रही हूँ। ऐसा नहीं है, देखो ऐसा कभी नहीं हो सकता। हमारी नमस्कार विधि को ठीक ढंग से समझो तो दादाजी ने बोला वितराग शासन देव देवियों को नमस्कार करता हूँ, निष्पर्श शासन देव देवियों को नमस्कार करता हूँ, वहाँ रखा गया है क्या है? हाँ जी, रखा गया है। सो दादाजी इसीलिए मैंने बताया कि दादाजी ने बोला था हम सभी के विनय में रहे हैं, ये सबके विनय में रहे इसलिए हमारे नाम की चिट्ठी सभी जगह चलती है। सो नहीं करना चाहिए वो मतलब तो होता ही नहीं है कहीं पर हमारे यहाँ ऐसा नहीं है। हाँ हमारा आशय मकसद शुद्धात्मा लक्ष्य है और उसमें विनय करते हुए हम सबका विनय करते चलते हैं। नहीं करना होता तो हमारे मंदिरों में ये सब पद्मावती माता नहीं, नहीं, नहीं होते नहीं, जरूर से करना चाहिए। मगर हमारी प्रार्थना क्या है कि मैं शुद्धात्मा हूँ, हे पद्मावती माता जी यदि आप मेरी शुद्धात्मा की मुक्ति यात्रा में मोक्ष मार्ग में सहायता करें या समस्त विश्व के कल्याण के लिए आप सहायता करें, उसमें फिर मेरा व्यवहार तो आ ही जाता है। और जैसे मैंने बताया व्यवहार में कोई विशेष विघ्न आया तो आप जरूर प्रार्थना कर सकते हैं, दादाजी का नाम देके उनको प्रार्थना कर सकते हैं। मगर जैसे मैंने बताया कि वो सब दादाजी ने हमारे लिए पूरी व्यवस्था कर दी है, क्या कर दी है इसमें तो नो डाउट क्योंकि सभी महात्माओं को अनुभव भी होता है, बहुत अनुभव होते हैं, अनुभव तो होता ही है, इसलिए तो हम अनुभव में बोलते हैं कि भई ऐसा हुआ, पहले नहीं हुआ था ऐसे हुआ ऐसे करके। देखो मगर वो कहते हैं कि नहीं, जो लिख के आए हो वो ही होना है, कुछ करने से नहीं होगा। ऐसी निश्चय वाणी होने से पहले कभी बोलना नहीं है, दादाजी ने साफ साफ बताया है कोई चीज होने से पहले सब प्रयत्न करो, उसमें दवा और दुआ दोनों आता है, प्रार्थना का रोल है। क्या है अभी मेरी खुद की बात करूं खुली तो हमारे मम्मी जी जब बीमार थे तब हम दवा भी करते थे और दुआ प्रार्थना भी करते थे, जिसमें दादा भगवान को भी प्रार्थना करते थे, पद्मावती माता जी को भी याद करते थे और सबको याद करते थे। और आज की तारीख में मैं पद्मावती माता जी को, धर्णेंद्र देव को, घंटाकर्ण को, माणिभद्रवीर को या चकेश्वरी को उनके शुद्धात्मा के दर्शन करते विशेष रूप से भी प्रार्थना करता हूँ कि भाई सब कल्याण के लिए सहायता करना। और वो अक्रम मार्ग नकारात्मक है ही नहीं, अगर कौन सी समझ से हमें करना है, हम दोनों करते हैं, व्यवहार विनय करते हैं, शुद्धात्मा देखते हैं, हमारी भावना है। और दादाजी ने बताया कि निश्चय के आराधन में शुद्धात्मा के पथ पर बाय प्रोडक्ट मैंने व्यवहार का काम आपका बाय प्रोडक्ट में चलता रहेगा या बस। उनका भी मुझे तो मालूम नहीं मैं कल क्या संदर्भ था, मगर ऐसा किसी का आशय नहीं होगा, मगर कोई और आशय से बात हुई होगी। मगर आप सुन लेना व्हाट्सएप पे है वो, जरूर तो आपको मालूम होगा कि मैं क्या करूं। मैं रॉन्ग तो नहीं हूँ, 100% आई एम नॉट रॉन्ग। जो आपका पुत्रों से जो हमें जवाब मिल रहा है ना तो अभी हम जो बात कर रहे हैं हमारी बुद्धि एक्सेप्ट नहीं करती है। नहीं बरोबर है, अभी जो बात हो रही है उसमें सब महात्माओं को समाधान है या कोई प्रश्न है तो जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू, दादा भगवान हम जहां तक मेरी थोड़ी बहुत समझ है, दादा भगवान कहीं पर भी जाते घर से बाहर तो प्रार्थना विधि करके निकलते थे, क्या करते थे? और पर ऐसा भी सुना कि ज्ञान विधि का जो लिस्ट उन्होंने विधि कर दिया और बाद में कोई नाम आया तो दादाजी बोलते थे कि भाई शुरुआत होने से पहले हमें दे दो तो अच्छा है, क्योंकि हमें सबकी विधि करनी पड़ती है, देवी देवताओं से प्रार्थना करनी पड़ती है। सो यथा योग्य स्वरूप से, यथा योग्य भावना से ये सब होता ही है और सबकी हेल्प है। ठीक है, ओके, आपने विल गो टू आई डोंट नो मुकेश भाई यू इज समथिंग टू सेम टॉपिक, आपको यही करने का है मुकेश भाई? यस, मेरा जो
सार उस सत्संग से ऐसा निकला जो प्रश्न मेरा था कि ये जो वो चोर जो अंदर का है ना उसको जयमेश आनंद जी ने बरोबर पकड़ा और कहा कि दूध और दही में दोनों आप पैर रखने जा रहे हैं उसमें आपका फिर सॉल्यूशन का प्रॉब्लम नहीं आएगा। हमारी जो प्रार्थना थी वो संसार के विघ्न में जो थे उसको दूर करने के लिए ये कि भाई कीर्तन भक्ति करो, लेकिन वो विघ्न जो दूर करने के वो सेल्फिश थे कि हमारी खोट ना जाए, मॉनेटरी खोट ना जाए, वो थी। दूसरा था कि भाई आनंद विहार हम चले जाए तो उधर फिर महात्मा मिले, सत्संग करे और वो सब मोक्ष तरफ हमारी यात्रा और स्ट्रॉन्ग रहे। दैट वाज द सार आई गॉट कि भाई और जब ये कीर्तन भक्ति करोगे तो उतने उस समय ये जो द्विधा होती है संसार की और फिर दोनों निश्चय में भी रहना है और संसार में भी रहना है ऐसे करके तो समझ गया। हाँ जी, तो मैंने वही बात बताई जी, मूल रूप से मैं निश्चय निर्णय से शुद्धात्मा हूँ जी, वो मेरी मूल यात्रा ये है और उसमें यदि शैलेश के भाग में कुछ विघ्न आया तो पहले तो मुझे मैं शुद्धात्मा हूँ उसमें दृढ़ रह के यदि मैं रहूंगा तो वो विघ्न ही नहीं लगेंगे। क्या विघ्न लगेंगे ही नहीं, विघ्न लगते हैं क्योंकि मैं मेरे स्थान में शुद्धात्मा में नहीं हूँ। फिर भी सब करने के बाद यदि लगा तो शैलेश को पहली प्रार्थना ये करनी चाहिए कि दादा मुझे शुद्ध उपयोग में स्थिर रहने की शक्ति दीजिए और उसमें चलते चलते वो सहाय तो आके मिलेगी। मगर मैं समझता हूँ कि मुकेश भाई का पहला ये था कि पहले मुझे सुख शांति मिले मुकेश भाई को, फिर मैं शुद्धात्मा का करूंगा। उसके लिए उन्होंने आपको मूल जगह पे बिठाया कि भाई आपका मूल स्थान ये है। तो इसके बारे में मेरी एक छोटी सी मैं, मगर मेरा स्वभाव थोड़ा कैसा है कि मैं ऐसा मानता हूँ कि भाई शादवाद में किसी को दुख ना हो समझ से आगे चले। तो हम सब लोग गाड़ी में कार में या यात्रा शुरू करते हैं तो सब लोग क्या प्रार्थना करते हैं, दादा इस प्रकार से हमारा रक्षण करना। तो मैं थोड़ा अलग बोलता हूँ अंदर और लोगों से हंसता हूँ कि किसका रक्षण मांग रहे हो आप, शैलेश का जो जाने वाला है उसका? तो बोले हाँ। तो मैं थोड़ी प्रार्थना में मेरे लिए खुद के लिए मैंने थोड़ा फर्क किया है कि हे दादा भगवान मुझे शुद्धात्मा स्वभाव में स्थिर रहने की, शुद्ध उपयोग में रहने की शक्ति देना, मेरे शुद्ध उपयोग स्वभाव का रक्षण करना। ये तो ऐसा जाने वाला है और मैं शुद्धात्मा में रहूंगा तो फिर उसके लिए भाग में तो जो होगा वो होगा। तो ज्ञानी पुरुष ऐसे रहे थे और उसके दो एग्जाम्पल देता हूं मैं। जैसे खंभात के एक्सीडेंट की बात मैंने की पिछले सत्संग में की थी, दादा भगवान के दर्शन में तो आ गया था फिर भी और तीन चार जो महात्मा के साथ गए थे और एक्सीडेंट हुआ भी सही और उनको लगा भी सही, तो उन्होंने हॉस्पिटल में मैं हाजिर था, विटनेस था और हमारे जो चीफ सर्जन थे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट वो साष्टांग दंडवत प्रणाम किए कि ऐसी स्थिति में भी देखो है आत्मा भिन्न है देह से देखने को मिलता है। और ऐसे हमारे कई महात्माओं का अनुभव है, जयमेश आनंद जी का भी है एक्सीडेंट में, ये भावसर साहब का, कई लोगों का है कि सबने एक्सीडेंट में विघ्नों में मैं शुद्धात्मा रह सकूं वो देखा वो मांगा और बाकी का सब कुछ तो बाय प्रोडक्ट में आ गया। तो जयमेश आनंद जी का कहने का मतलब शायद ये था आपको महात्माओं को कि पहले मैं शुद्धात्मा हूँ उसमें रहने के लिए मांगो तो दादाजी से बाकी का तो मिल जाएगा। दादाजी ने हमको छूट दी है महात्माओं को, मगर दादाजी ने खुद के लिए और चंद्रकांत जिन्होंने पहले ज्ञान के दरवाजे खुलवाए थे और तीर्थंकर इनको दादा ने तीर्थंकर बोले थे, संकेश्वर गए थे एक बार और संकेश्वर में चंद्र लोग नमन कर रहे थे और चंद्रकांत भाई ने भी कुछ नमन में मांगा होगा, उनको बिजनेस में कोई थोड़ी बहुत दिक्कत थी तो दादाजी देख रहे थे, दादाजी ही ले गए थे उनको, कुछ बोला होगा कि भाई ये मुश्किल है दादाजी कुछ विधि करिए, दादाजी बोले चलो संकेश्वर में भगवान के सामने करेंगे। सब हो गया, फिर दादाजी ने पूछा चंद्रकांत भाई को कि लोग क्या मांग रहे हैं भगवान से, तो बोले संसार व्यवहार। तो इतना प्रश्न में चंद्रकांत भाई को लाइट हो गई, क्या हो गई, और दादाजी से ने धीरे से बोल दिया
हम बाकी के सबके व्यवहार के विघ्न के लिए विधि करते हैं, आपके लिए नहीं। समझे? उनकी श्रेणी थी कि आप शुद्धात्मा में रह के ये सब निपटाओ, शुद्धात्मा के लिए मांगो, व्यवहार की विधि नहीं है हमारी, ऐसा उनको कहा था। वो अपने को नहीं बोला है तो, मगर हमें कहाँ जाना है, और श्रेणी चढ़ते हुए हमारी शक्ति यदि डेवलप हो रही है जी, आत्मा में रहने के लिए मांगोगे उसके साथ व्यवहार आ ही जाएगा, देव देवियों को आना ही पड़ेगा, मगर वो मांगोगे तो शुद्धात्मा रह जाएगा। चलो इतने में आ गया, अभी आगे दूसरे प्रश्न पे चलते। नीना बहन, नीना बहन, नीना बहन अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद चलेचंदन जी, कोटि कोटि वंदन आपको। ये प्रश्न पूछना है कि जो रिलेटिव है, जो ये शरीर है अंतस्करण, वो रिलेटिव नहीं लग रहा है, रियली लग रहा है जी। तो उसके लिए हमको क्या समझन फिट करनी है, कोई टिप आप देंगे या कोई पुरुषार्थ स्पेसिफिक कुछ है उसके लिए? बहुत अच्छी बात पूछी जी कि मैं शुद्धात्मा हूँ, मैं मन वचन और काया जी बिल्कुल मुक्त, ऐसा शुद्धात्मा हूँ, ऐसा मुझे प्राप्त हो गया है। मगर जब ये देह की बात आती है जैसे आपने बताया जी, तो वो रिलेटिव नहीं रियल लगता है, ऐसा आप कहा, यही पूछ रही हूँ। हाँ, अभी पहली बात जी कि जितना मैं शुद्धात्मा हूं, मैं रहूंगा जी, शुद्ध चित्त, ये मन वाणी काया का देखने जानने वाला रहेगा, उतना मेरा स्व का रियल का अनुभव बढ़ता जाएगा। और मैं शुद्धात्मा हूं उसमें रहा, बोला शब्द से वहां से रहा उसमें शुद्ध उपयोग से, वो इटसेल्फ बताता है कि देह से मैं भिन्न हूं या देह मेरे से भिन्न है, वो काफी हो गया, रिलेटिव हो ही गया। जब अनुभव में नहीं आता, नहीं तेरी बात तो सुनो जी, अनुभव में आता है नीना जी, पहले समझ में आना चाहिए अनुभव क्या है जी। जी ओके, आपको भी काफी अनुभव हुआ है कि देह में कुछ तकलीफ हुई होगी, कोई बीमारी आई होगी, तब आप भिन्न हो गए होगे कि मैं अव्यवाद स्वरूप हूँ जी। पर ज्ञान 1977 में ज्ञान का योग मिला जी, ते 10 दिन में शैलेश भाई जा रहे थे और नीचे कुछ कोयला जलता होगा, ऊपर राख होगी, पता नहीं था, और जलने लगा और अंदर ज्ञान चालू हो गया कि ये जलन शैलेश को होती है, मैं अव्याबाद ऐसा शुद्धात्मा हूँ। उस समय वो अनुभव में आ गया हो रहा है, वो मैं नहीं हूँ, मैं शुद्धात्मा हूँ। दूसरा एग्जाम्पल जी, ज्ञान मिलने के तुरंत ही बाद, क्योंकि मैं सेकंड MBBS का सत्र हमारा शुरू हो रहा था, आप डॉक्टर है, आपको ठीक ढंग से ख्याल में आ जाएगा जी। जी टर्म थी जनरल मेडिसिन की, तो वो यहाँ बोन पंक्चर, ये बाकी के लोगों के लिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ छाती की हड्डी में से जाड़ी सुई से खून निकल था ब्लड टेस्टिंग टेस्टिंग के लिए। तो शैलेश भाई ने तो पहली बार ये दृश्य देखा तो चक्कर आने लगे, चक्कर आने लगे, तुरंत ज्ञान हाजिर हो गया कि चलो हम आपको कैंटीन ले चलते हैं। जैसे मैंने उसको एस्कॉर्ट करके, कैंटीन तो काफी दूर थी, मिनट्स वॉक, ऑलमोस्ट एस्कॉर्टेड हिम शुद्धार्थ ले गया, चाय बाय पिलाया और वापिस आया, और कोई साथ में नहीं था, मगर मैं साथ में था उसके। अनुभव हुआ कि नहीं हुआ? बहुत ग्रेट अनुभव। अच्छा, तीसरा अनुभव, एक किसी सर्जरी हुई और जनरल एनेस्थेसिया दिया गया था जी, मेरे साथ में 2 महात्मा थे, वो साइंटिस्ट टेस्टिंग करने वाले थे, रजनी भाई जैसे, कि क्या होता है देखे तो सही। अच्छा, एनेस्थेसिया में से अभी रिकवरी पूरी हुई नहीं थी, बाहर आ रहे होते तब कॉन्सियस नहीं होता है, आपको मालूम है जी। जी थोड़ा बहुत होते हैं, तो मुझे पूछा कि आपको तो सर्जरी हुई, बहुत दर्द होता होगा, ये होता होगा, जवाब निकला था शैलेश को की है, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, और वो रहा था, क्या रहा था, रहा भिन्नपन का अनुभव काफी आत्माओं को
एग्जैक्टली होता है, मगर कब होता है, जब कोई देह में बीमारी आ, कोई प्रतिकूल संजोग आए तभी होएगा। आवाज कट गई है। ओकेशन का होता था, मगर हॉस्पिटल में जाने के बाद वो बोलते थे ऐसा अनुभव घर पे नहीं होता है, अलग ही था देह से। मतलब प्रतिकूल संजोग होएगा तब ऐसा अनुभव होएगा। मेरी बात तो सुनो, मैं आगे चलता हूँ। ये तो मैंने एग्जांपल दिए, अब चलते हैं कि देह यल क्यों लगता है और उससे कैसे भिन्न रहता है। तो दादाजी ने भी बताया कि भाई जो साथ में आता है उतनी ममता रखने की छूट है आपको। ये वीटी साथ में नहीं आएगी, नेकलेस साथ में नहीं आएगा, मगर ये बॉडी साथ में मैंने लास्ट स्टेशन तक आती है, इसलिए उसमें मेरापन रहेगा थोड़ा आपका। अच्छा धीरे उसका प्रयोग करो। क्या प्रयोग करोगे? तो देह में जो ममता पड़ी हुई है उसका हमें एक तो मैं शुद्धात्मा हूं से मैं निकलूंगा कि भाई मैं तो अव्याबाध हूँ, अमूर्त हूँ, ये मूर्त है, मैं अमूर्त हूँ, ये मैं अरूपी हूँ। ऐसा प्रयोग करते करते मुझे चित्त मेरा बाहर लेना है। दूसरा कि देह में जो मुझे ममत्व हुआ है और मेरा है, तो दादाजी ने कितने एग्जाम्पल दिए कि भाई रोज टूथब्रश करता हूँ मगर दुखे का रहता नहीं, दुखता है वो मेरा कभी होता है, रोज साफ करते रोज बिगड़ जाती है। ये दादाजी ने क्यों बताया था कि ये देह के प्रति जो मेरा ममत्व भाव अंदर इनबिल्ट है वो मेरा निकले। तो अभी तो बहुत अच्छा संयोग है नीना जी, देह अलग निकलने का कि भाई ये कोरोना सबको हो रहा है, कल तुझे भी हो सकता है और तुझे भी वेंटिलेटर पर लगा सकते हैं। मैं तो अविनाश शेष अशुद्धात्मा हूँ, मैं तो तेरी साथ जो हो रहा है उसे देखने वाला हूँ। क्या है जी, वेरी नाइस। और जब ये यहाँ सब रिंकल्स हो जाती है तब आईने में तो भी फेस प्रिय लगता है, किसी को अपना वृद्ध मुंह भी अप्रिय नहीं लगता उस, क्यों? क्योंकि ममता है। तो उसने कहा अरे पहले तो तू कितना अच्छा ब्यूटीफुल दिखता था, अब ऐसा हो गया? कोई बात नहीं, तेरी अवस्था है। उस बात करोगे कि ये तेरा है तो हम अलग हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? अलग हो जाएंगे जी। अकाउंट है देह को, बोलो तुम्हारा है ये, मेरा नहीं है, नहीं। ऐसे धीरे धीरे, मगर रिलेटिव है उसका मतलब वो निकम्मा नहीं है, वो तो साथ है, देह है, मित्र है, उसका भी भूमिका है, रोल है। इसलिए बाहर से तो उसके साथ उसका ध्यान भी रखना पड़ेगा। चीज इतना ही है कि मैं शुद्धात्मा में रहूं और देह को कुछ हो, आगे पीछे हो, तब मुझे मेरे आनंद में असर न पड़े और की अवस्थाओं को मैं देख सकूं। मैं शुद्धात्मा हूं बोलते ही देह अलग हो जाता है। तो मेरे ख्याल से अनुभव इसको कहते हैं। अच्छा, जब आप बोलते हैं कि देह अकेला क्यों, पूरा व्यवहार रियल नहीं लगता अपने को? हाँ, सब रियल लगता है। हाँ, अभी मैंने ये प्रश्न दादाजी से पूछा था सत्संग अपार्टमेंट में। दादाजी बैठे थे, ज्ञान मिले 2-3 साल हुए थे और हम क्लिनिक चलाते थे और चलाते भी हैं। तो मैंने दादाजी से पूछा कि दादाजी आप तो बोलते हैं कि व्यवहार में सुपरफ्लूस रहना है और व्यवहार को उपलब्ध रखना है, तो मैं तो क्लिनिक में जाता हूँ और सिंसियरली ही डॉक्टरी नहीं करता हूँ तो मेरा काम नहीं चलता है, सिंसियरली डॉक्टर हो जाता हूँ मैं जी। दादाजी ने बहुत अच्छा विज्ञान का जवाब दिया था। अब तू क्लिनिक में से यहाँ आया है तब तुझे दवाखाना याद है? मैं बोला नहीं, वो तो छूट गया वहाँ जी। उसका नाम सुपरफ्लूस या उपलब्ध होती है तब तो वो उसमें चित रहता है, छूट जाने के बाद जो हाजिर है तब वो मेरे साथ नहीं आया है, उसका मतलब वो हो गया। सो रियल लगने का मतलब इनसिंसियरिटी नहीं है जी। को रिलेटिव फाइल को बोला आप सिंसियरली ही उसके साथ डीलिंग करिए, मगर में चिपके मत रहिए जी। वो अवस्था निकल गई तो मैं वापस शुद्धात्मा हो गया, आगे की अवस्था का देखने जानने वाला हूँ जी। वेरी नाइस, बहुत तो अच्छा। इस तरीके से हमें धीरे धीरे अनुभव में लेना है। और मैं तो बोलता हूँ देह क्यों, 1987 की दादाजी की अंतिम ज्ञान वाणी की जो कैसेट है, 27 कैसेट है, उसमें कुछ कुछ ज्ञान के ऐसे जो नजदीक वाले 3-4-5 उनके साथ रहते थे, तो दादाजी ने ये सामायिक प्रयोग सबसे करवाए। एक दिन करवाया कि मैं शैलेश के मन से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, ये मेरा नहीं, मैं तो शुद्धात्मा हूँ, उस प्रकार से सामायिक करो ताकि मन से अलग हो जाओगे आप। एक दिन नाम का करवाया कि मैं शैलेश के नाम से भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ, नाम और नाम पर जो असरे होती है उससे भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ। तो उस
अपना अटैचमेंट और टूटते में शुद्धात्मा में आऊंगा, उस प्रकार से हम कर सकते हैं कि शैलेश के देह से भिन्न ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ और देह की परिवर्तन होती हुई अवस्था वो शैलेश की है, मैं तो उसके अपरिवर्तनशील ऐसा शुद्धात्मा हूँ देखने जानने वाला। तो इस प्रकार से जहां जहां मुझे भिन्नपन, मैं भिन्न हूँ ऐसा नहीं रहता है, वहां मुझे प्रयोग रख के कर लेना चाहिए। और मैं शुद्धात्मा हूँ तो उसका मतलब ही ये है कि मैं रियल में हूँ और देह रिलेटिव हो गया। रिलेटिव का मतलब निकम्मा नहीं है, इनसिंसियरिटी वाला नहीं है, वो रिलेटिव रिलेटिव की पूरी सिंसियरिटी से ही रहेगा। रिलेटिव की सिंसियरिटी से रहेगा, नहीं तो वो तो आपको शुद्धात्मा में नहीं रहने देगा। उसको सिंसियर रखना ही पड़ेगा रिलेटिव में। वो कोरोना खांसी आई तो टेस्टिंग करवाना पड़ेगा, कोरोना तो नहीं होगा भले पची टेस्टिंग में जो भी कुछ निकले। जी जी जी, चलो आगे जी। वेरी नाइस, जय सच्चिदानंद, वंदना, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। मनीषा बहन, जय सच्चिदानंद। शैलेश आनंद जी, प्रणाम। मनीषा, अभी आपने जो नीना जी से बात की उसमें काफी कुछ मिल गया, पर जो देखना और जानना उसका जो डे टू डे लाइफ में प्रयोग कैसा एग्जैक्टनेस में होता है? हम सब महात्मा प्रयोग कर ही रहे हैं और आप तो भली भांति कर रहे हैं और मेरे से भी ज्यादा कर रहे हैं, ऐसा भी मैं शायद बोल सकता हूँ। तो सुबह में उठते ही हम प्रार्थना करके, उठौनी जिसे बोलते हैं, उसका हिंदी मुझे ढंग से नहीं आता है, कर देते हैं। आप पूरे दिन का ये ऑफिस वाले ऑफिस का और आप रसोई का और घर का सब प्लानिंग अंदर कर देते हैं ना कि ये इसके बाद ये, तो हम के प्लानिंग कर देते हैं कि हे दादा भगवान, मैं मन वचन का ऐसे भिन्न ऐसा शुद्धात्मा हूँ और पूरे दिन आई लेक की जो जो भी अवस्थाएं व्यवस्थित में निकलेगी अंदर और बाहर, उसे मुझे देखने जानने की शक्ति दीजिए, शुद्ध उपयोग में रहने की शक्ति दीजिए। तो वो चलता रहेगा, कम से कम दोपहर चलेगा, फिर डाउन आएगा तो फिर उसको रीअरेंज करना पड़ता है, रीचार्ज करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? रीचार्ज। फोन ऐसे जितनी एप्लीकेशन ज्यादा उस इतनी बैटरी जल्दी डाउन हो जाती है, चार्ज करनी पड़ती है, नहीं लगानी पड़ती है। ऐसे जब जब मेरा शुद्धात्मा देखने जानने का रह जाएगा तो मुझे वापस अंदर जाके शुद्धात्मा कौन बोल के चार्ज कर लेना पड़ेगा। और वो समय तो हमेशा मिलता है, मेरी शुरू होनी है उसके पहले गाउन बाउन चढ़ा के तैयार है, मगर अभी वो कुछ पेंटिंग वगैरह कर रहा है, उसमें भी दो चार मिनट या तो थोड़ी सेकंड मिल जाती है जिसमें मैं दो चार बार बोल लेता हूँ कि मैं शुद्धात्मा हूँ, शैलेश ऐसा आनंद ज्ञान वाला हूँ, और फिर शैलेश को बोलता हूँ आप सर्जरी करना, मैं जानता हूँ, क्या बोलता हूँ। तो ऐसे अंदर का ये जो अवकाश का समय है जी, उसमें इतने सारे रिवोल्यूशन चल सके ऐसे है मनीषा जी। जी जी, रिवोल्यूशन थोड़ी सेकंड चाहिए, पूरी मिनट भी नहीं चाहिए, 60 सेकंड भी नहीं चाहिए, थोड़ी सेकंड और मिलती ही है, अंदर तो मिलती ही है, मिलती है सब वो। तो उसमें मैं वापिस आके चार्ज कर लूंगा, क्या कर लूंगा, साके चार्ज कर लूंगा और वापिस अपने स्थान पर उपयोग में आ जाऊंगा, ताकि मैं देखने जानने वाला रह सकूं। और भी चुप तो जाएंगे तो रात को और सीरियल देखने के समय के बीच में या तो पहले या तो बीच में ये सीरियल देख लेने की कि आज सुबह से शाम तक शैलेश तेरी सीरियल कैसी चली, बड़ा की अंदर बाहर या नहीं की, या किसके पर खुश हो गया ना खुश हो गया, सब में रहा विषय, जो भी उसकी सीरियल चली तो मैं यदि देखूंगा 10 मिनट भी देखूंगा तो जहां चूक गया वो दिखाई देगा मेरे को और वापिस नहीं जाऊंगा। तो गोठवण सतत, रिचार्ज और रिव्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। रिव्यू भी बोला है कि भाई कोई बात नहीं, आपने नक्की किया आज्ञा चूक गए, शाम को मांग लेना कि दादाजी इतनी जगह पे मैं आज्ञा या तो देखना जानना चूक गया हूँ। करते करते जब शुद्ध चित्त का आनंद और जागृति बढ़ेगी और इसका लोड थोड़ा कम होगा तो सब था अच्छे ढंग से दिखाई देगी कि ये जो परिणाम अंतस्करण में उठे थे उसके पीछे क्या था, अच्छे उठे क्या उसके पीछे से था, कुछ उठे तो भी उसके पीछे क्या था, वो सब छोटा 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 दिखाई देने लगेगा।
ऐसे करते करते फिर सूक्ष्म और सूक्ष्मतर उस ढंग से आगे बढ़ेंगे। अभी तो मोटा मोटा दिखाई देता है कि उनके साथ ऐसा बोला और ऐसा बोला, पर अंदर क्या क्यों चला वो तो नहीं पता है जी। धीरे धीरे दिखाई देगा क्या जी। दूसरी चीज, देखने जानने वाला रह सकता हूं उसका प्रमाण क्या है? तो व्यवहार की सभी असरों से सर्वथा मुक्त, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूं। कौन से व्यवहार से बाहर चलते हुए? वो तो बाहर है, सेकेंडरी। अंदर वो बाहर के व्यवहार के निमित्त से अंदर जो मनवाणी काया के व्यवहार में जो असरें खड़ी हुई, एग्जैक्टली, मैं भिन्न रह सका, असंग रहा, निर्लेप रहा, परमानंद स्वरूप रहा, रहा तो मैं देखने जानने वाला हूँ, जहां नहीं रहा तो मैं देखने जानने वाला नहीं रह सकता, नहीं रहा हूं, तो गो बैक एंड करेक्ट इट, गो बैक एंड करेक्ट इट। ठीक है, यस यस, थैंक यू सो मच, वेरी गुड। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। तो हमने एक प्रयोग ऐसा पकड़ा था, हे दादा भगवान, मुझे व्यवहार में जहां जहां असरे हो जाती है, जो जो प्रकार की असरे हो जाती है, उसको देखने जानने की शक्ति दीजिए, क्या रखा था जी। तो रख सकते हैं कि नहीं रख सकते? जी रख सकते हैं। हम सब असर मुक्त हो गए? नहीं, महात्मा तो आप लोग असर मुक्त हो गए, क्योंकि नहीं असर हो रही है पर वो जानने में, जानने का पार्ट है बस। तो असर तो जानने वाले हो गए तो असर से मुक्त हो जाओगे, परमानंदी रूप चली जाएगी कि अभी अपने यहाँ काम नहीं है, क्योंकि अपना भाव नहीं आता यहाँ पर जी। अभी जैसे दिन भर ऐसी शक्तियां मांगना ही ज्यादा हो रहा है, क्योंकि वो दिख रहा है कि असर आई तो फिर दादा को प्रार्थना करते हैं कि असर से मुक्त होने की असर देखने मांगोगे। हाँ, तो वो तो इतनी सारी स्वभाव में रह सकूं, मेरे स्व स्वभाव में रह सकूं, जिसमें जानना तो, मगर मेरे असंग स्वभाव का अनुभव कर सकूं, निर्लेप स्वभाव अनुभव कर सकूं, स्वभाव का अनुभव करने की शक्ति मांगनी है जी। एग्जैक्टली वो चीज। चलो रजनी भाई साहब, दीपानंद जी साहब, आपको बहुत क्वेश्चन है। तृप्ता बहन, तृप्ता बहन, तृप्ता बहन, अनम्यूट करिए। जय सच्चिदानंद स्वामी जी, मेरा क्वेश्चन प्रश्न ये है कि ये वो 30th जुलाई का दादाजी का वो जो कैलेंडर आता है उसमें लिखा है कि लक्ष्मी तो 11वां प्राण है। मेरे को ये भी नहीं मालूम है कि वो क्या होता है 11वां प्राण, और मैं पूरा आपको सुनाती हूँ। इसलिए किसी की लक्ष्मी अपने पास नहीं रहनी चाहिए जी। अपनी लक्ष्मी किसी के पास रहे तो उसमें परेशानी नहीं जी। परंतु ध्येय निरंतर वही रहना चाहिए कि मुझे पाई पाई चुका देनी है। ध्येय लक्ष्य में रखकर फिर आप खेल खेलो, खेल खेलो, लेकिन खिलाड़ी मत बन जाना। खिलाड़ी ही बने कि आप खत्म हो जाएंगे जी। अभी ये खिलाड़ी क्या है, मतलब कुछ हाँ बराबर है, जाइए ठीक, सब बात कर लेता हूँ। सिर्फ खिलाड़ी बात करूँ कि आगे आपने जो बात की उसकी भी बात करूँ? आगे भी सब करो। हाँ, तो वितराग मार्ग दो पाक व्यवहार और निश्चय से है, जिसमें दादाजी ने बताया कि व्यवहार के बेसमेंट पर निश्चय, मैंने मेरा ये शैलेश का व्यवहार, उसकी सब गलतियों से मुक्त होता जाए, शुद्ध होता जाए, उतना ही मेरा शुद्धात्मा का पंख भी ऊपर आएगा। ऐसा नहीं होता है कि पंखी एक पाख से ऊंचे चला गया, दूसरी पाख एकदम नीचे रह गई। तो ये व्यवहार में हम देखें यदि, तो व्यवहार शुद्धि में दो चीज प्रधान है, एक हक का विषय या तो अनहक का विषय ना हो, और दूसरा हक की लक्ष्मी हो अनहक की ना हो। तो इसी बारे में लक्ष्मी एक अपेक्षा से देखे तो मैं शुद्धात्मा हूं, लक्ष्मी रिलेटिव है, मगर ये व्यवहार है मनवाणी काया का और सभी का व्यवहार है, तो उसमें लक्ष्मी एक प्रधान चीज रही है, इसलिए उसको 11वां प्राण बोला गया।
और इसलिए दादाजी ने बताया कि शैलेश जो पूरा जीवन जी रहा है उसमें शैलेश को कैसे रहना है लक्ष्मी संबंध में, तो बाकी की तो सारी चीज है मगर उसको छोड़ के अभी इसी की बात करते। तो पहले तो शैलेश को ऐसा जीवन जीना चाहिए कि दादाजी ने बोला कि जितना हो उसमें से ही आप अपना कार्य निभाए, किसी की लक्ष्मी लेने की इच्छा ही मत करो। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट किसी की लक्ष्मी पहले तो व्यवहार के लिए लेने की ही इच्छा न करे तो उससे उत्तम कोई नहीं। यदि लेनी पड़ी कोई व्यवहार या धंधा या किसी प्रसंग से तो अंदर निरंतर रहना चाहिए कि ये मुझे जल्दी से जल्दी लौटा देना है, किसी की भी लक्ष्मी मुझे किसी को देना है ऐसा कभी नहीं रहना चाहिए। तो दादाजी ने बोला कि यदि आपका भाव निश्चय, ये व्यवहार का निश्चय पक्का है कि नहीं आई वॉन्ट टू रिपे अ सिंगल पेनी टू एवरीबडी, यदि लिया ली गई है तो, और तो दादाजी बोलते हैं कि तो ऐसे संजोग भी बाहर व्यवस्थित जरूर आपको देगी और आप अंदर से स्लिप नहीं होंगे। मगर ये कलयुग में कई बार क्या होता है, मन और बुद्धि दिखाती है अरे चलेगा अभी, वो कहाँ मांग रहे, अरे मांग मांग के क्या मांगेगी, अभी तो ये है वो है, आएगा तो दे दूंगा नहीं तो चल जाएगा। यदि अंदर में ढीला पड़ गया तो वो खत्म हो गया, वो बहुत व्यवहार में गिर जाओगे और बहुत उसका नुकसान भी होगा। तो इसीलिए दादाजी ने बताया कि किसी की भी लक्ष्मी अपने पास नहीं रहनी चाहिए और हमारे ये यही रहना चाहिए कि मुझे पेनी पेनी चुका देनी है। ये व्यवहार की बात है मगर बहुत आज के काल में इम्पोर्टेंट है। आज तो महात्माओं को तो अच्छा है, दादाजी की कृपा है, मगर व्यवहार में तो कई लोगों का मन अंदर से ऐसा स्लिप हो गया है कि कोई बात नहीं, नहीं दिया तो क्या फर्क पड़ता है। तो अंदर से स्लिप होके नीचे अधोगति में जा रहे हैं, तो इसके लिए ये बताया। और खेल और खिलाड़ी, तो ये मन वचन काया, नाम और नाम की माया, मैंने फाइल एक से जो कोई व्यवहार सब कुछ हो रहा है वो खेल चल रहा है, दादाजी ने उसको खेल बोला, मैंने ये व्यवहार का ये चल रहा है मगर मैं शुद्धात्मा हूं तो मुझे उसके साथ एकाकार में हो जाऊंगा तो मैं भी खिलाड़ी हो जाऊंगा, व्यवहार में मैं भी अंदर चला जाऊंगा। इसीलिए दादाजी ने बोला कि शैलेश यानी फाइल एक, उसका जो भी खेल मैंने व्यवहार चल रहा है तो ये ध्यान में रख के करें कि हो सके वहां तक तो किसी की लक्ष्मी लेनी ही नहीं है, वो जो भी मेरे पास व्यवस्थित में है उससे ही चलाना है और वो चल जाएगा अच्छे ढंग से। मैं किसी को दे सकूं तो बहुत अच्छा है मगर किसी से लेने की तो बात ही मुझे नहीं रखनी चाहिए, और लेना पड़े तो कैसे जल्दी से जल्दी वापिस लौटा दूं पाई पाई, ऐसे लक्ष्मी रख के यदि शैलेश व्यवहार करेगा तो वो व्यवहार में पास हो जाएगा, पसार हो जाएगा, नहीं तो फंस जाएगा। और खिलाड़ी मैंने, मैं शुद्धात्मा रहूं शैलेश ना हो जाऊं, ठीक है। पर ये नहीं मेरे को समझ आया, खेल खेलो लेकिन खिलाड़ी मत बन जाओ। खेल खेलो मैंने तृप्ता जी, लक्ष्मी की अकेली बात नहीं है, तृप्ता जी की पूरी लाइफ देख लीजिए, तृप्ता जी की लाइफ में कितने फेजिस आए और आ रहे आएंगे, वो सब बस हमें खेल बोला। क्या बोला? खेल, मैंने अपनी भूमिका निभाना, आप पत्नी की भूमिका निभाओगे, माता की निभाओगे, बहन की निभाओगे, मित्र की निभाओगे, महात्मा की निभाओगे, कितनी भी भूमिका हो, एक दिन में भी कितने खेल होते कि नहीं होते भूमिका। मैं डॉक्टर का भी निभाता हूँ, मेरी माता जी के पुत्र का भी निभाता हूँ, आप तो पुत्र का भी निभाता हूँ, सबके साथ सब अलग अलग खेल होते हैं। खेल मैंने व्यवहार की भूमिका है, खेलो मैंने व्यवहार को चलने दीजिए, तो व्यवहार में जो आता है व्यवस्थित में वो आप करते रहें सहज भाव से, समभाव के निकाल के लक्ष्य से, मगर आप उसमें खिलाड़ी मैंने खेलने वाले मत हो जाओ, मैंने शुद्धात्मा रहो और उससे भिन्न रहो, ठीक है। ज्यादातर क्या होता है, हम व्यवहार की भूमिकाओं में उसमें इतना एनग्रोस तन्मय हो जाते हैं कि हम भूल जाते हैं कि मैं खिलाड़ी नहीं हूं, मैं शुद्धात्मा हूं, तो हम खिलाड़ी हो जाते हैं। तो ये जो उन्होंने कहा है कि ये लक्ष्मी 11वां प्राण है, हाँ। तो मतलब उसके आगे 10 और है, वो जाने दीजिए ना, अभी उसका कहा डिस्क्रिप्शन उसको जाने दीजिए। प्राण है, प्राण मैंने शरीर को जीने के लिए जो चाहिए ना, अच्छा
ठीक है समझ गए जाने जय सचिदान हाँ जी जय सचिदान बहुत लंबा हो जाएगा सामान्य अच्छा ठीक है हरीश भाई जोशी हरीश भाई हाँ बोलो अरे शैलेश भाई जी जय सच्चिदानंद सर जय जय सच्चिदानंद एक अपना विनय ऐसा होना घटे कि अपराधक जीव अनअपराधक है तो ये समझना है बहुत बड़ा वंदनीय स्टेज का प्रश्न है ये बराबर समझाओ आप जितना दादा को प्रार्थना करके मेरे विजन में आता है बात करता हूँ मगर मुझे बहुत प्रिय है ये व्यवहार में क्या होता है सामान्य व्यवहार तो कोई अपराध करता है मान लो कोई अपने से एल-फेल बोल दिया महात्मा तो कोशिश करते हैं संयम में रहने की बराबर कोई बार स्प्रिंग छटक जाती है ऐसा बोलते हैं तो सामने भी बोल देते हैं कुछ बोला जाता है बोल नहीं देते बोला जाता है तो कषाय और बढ़ जाते हैं कि कम हो जाते हैं बढ़ती है वो तो कषाय लेके ही आया है क्या आया है वो है अंदर हाँ तो अपराधक और अपराधक बन जाता है क्या बन जाता है और फिर तो मन में नक्की करता है ऐसा ही करूंगा सबक सीख आपको भी सिखा दूंगा आप क्या करो महात्मा हो गए तो क्या हो गए आप ऐसे हो गए आमतौर पर ऐसा होता है कि कषाय अपराध मैंने कोई गलतियां कषाय उठे किसी के कोई भी कारण से हम कोशिश तो करते हैं संयम में रहने की मगर कहीं कहीं लीकेज हो जाता है और अज्ञानी तो सामने कषाय से ही जवाब देता है महात्मा कषाय से जवाब देना नहीं चाहते हैं बराबर कहीं कहीं लीकेज हो जाता है क्या हो जाता है फिर भी हो जाता है अपने घर में ही देखो ना कषाय ही करते हैं मगर कोई बोलता है दो बार तीन बार चार बार फिर थोड़ा तो बोल देता है सामने वाला अरे परफेक्ट तो फिर वो सामने वाला क्या संयम में आ जाता है नहीं 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 ज्यादा चलती है क्या चलती है सही है अच्छा सेकंड स्टेप ये सामने वाला कषाय या गलती कर रहा है तो मुझे शुद्धात्मा स्वभाव में रह के शैलेश को संयम में शांत रखना है कि भाई वो रिलेटिव रियल से शुद्धात्मा है वो करने वाला नहीं है व्यवस्थित करवा रहा है तो शैलेश के यदि संयम में रह गया काम नहीं बिगड़े शांत रह गया संयम में शैलेश मैं तो शुद्धात्मा हूँ उसका अपराध शांत हो जाएगा सामने वाले का क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा हाँ कितना बार वो बोल बोल करेगा संयम शांत है प्रशांत है तो कितनी बार बोलेगा या करेगा तो उनकी भी लिमिट हो गई उसका अपराध कम हो जाएगा शांत हो शांत हो जाएगा और अभी तीसरी बात जहाँ दादाजी बैठे हैं जो का सूत्र है कि अपना विनय ऐसा होना चाहिए कि अपराधक भी अन अपराधक हो जाए भगवान जो हमारे सबके साथ रहे हमने गलतियां की वो जानते थे सब कुछ देखते थे कहीं तो हमने उनके साथ भी थोड़ा बहुत अभिनय कर लिया मगर वो न केवल शुद्धात्मा में रहे विनय दो प्रकार का है व्यवहार का और निश्चय का विनय मैंने शुद्धात्मा ही देखते रहना दो दृष्टि से अविनय टू व्यू पॉइंट से देखा तो दादाजी ने बताया कि कोई हमारा कान काटता है हाथ काटता है तो अभी उसमें शुद्धात्मा ही दिखाई देगा ऐसा हमारा विनय मैंने शुद्धात्मा दृष्टि टू व्यू पॉइंट वाली दृष्टि है हमारी का जो विनय है व्यवहार का तो इतने लघु भाव से प्रेम से रहते हैं कि अपराधक अपराध करने वाले को उसका पावर ही सब निकल जाएगा संकोच भी हो जाएगा और चारित्र का प्रभाव पड़ के वो माफी मांग के संयमी हो जाएगा या तो माफी अंदर से उसको लगेगा कि मेरे से गलती हो गई महसूस होगा उसको हाँ कि मैं शुद्धात्मा रहूं मेरी शुद्धात्मा दृष्टि विनय वाली रहे मेरा उद्गल भी इतना विनय मेरे प्रेम स्वरूप है बराबर भी करे मगर मेरा प्रेम मैंने ज्ञानी का प्रेम टूटता नहीं था उनकी आंख बदलती नहीं थी आशीर्वाद कायम रहते थे तो सब लोगों के दिल ऐसे हुए वो शुद्धात्मा के प्रभाव से और व्यवहार के विनय के प्रभाव से निश्चय व्यवहार के
कि कषाय तो वीकनेस वाले होते हैं, वीकनेस की निशानी है। अपराधक क्यों है, वो वीकनेस वाला है, कषाय है, उसको तो सिंपथी रखनी चाहिए। कोई पेशेंट को जाके डांटता नहीं है कि तुम रोगी क्यों है, सही है, सही है। उसकी ट्रीटमेंट करता है, क्या करता है, उसके ऊपर दया होनी चाहिए, तो करुणा होती है ज्ञानी की, करुणा होती है, राइट, कि भाई ये कहां जाएगा, इतना जल रहा है और है बेचारा, तभी तो अपराध कर रहा है, तभी निर्दोष दिखेगा, हाजिर रहता है। तो प्रेम से धीरे से उसको ठंडक देते हैं और उसको बताते भी नहीं कि तेरी गलती हो गई है, इतना प्रेम और ठंडक देते हैं कि उसका दिल परिवर्तन होके उसको खुद को दिखाई देता है कि भाई सही तो ये है, ये तो मेरी वीकनेस से ऐसा हो गया। Exactly, हाँ। खुद को उसकी उसके अंदर ऐसा सुधार, उसका अंदर सही चीज आनंद और हृदय का ऐसा होगा कि उसको उसकी गलती महसूस होगी और अपराधक अन अपराधक हो जाएगा। आप देखो महावीर का भी चरित्र देखो, दादा भगवान का जीवन में जो प्रसंग बने वो देखो, यही दिखाई देगा कि उनके पास आके खुली आलोचना करके दादाजी मेरे ये गलती हो गई बोल के माफी मांग के शक्ति मांग के अन अपराधक हो गए। रागों की अंतिम बात है, हम सब लोग साम दाम दंड भेद, या तो बोल के या तो व्यवहार का कुछ करके या तो ये कला करके वो कला करके सामने वाले को अनपराधक करने की कोशिश करते हैं, उसको सीधा करने की कोशिश करते हैं, वो रास्ता ठीक नहीं है और काम करता है बहुत सारे संजोग में, और करेगा तो टेम्पररी करेगा, आपके पावर है ना तो वो बोलेगा नहीं, मगर आपके पूठ पीछे बोलेगा टाइम आने दो मेरा भी टाइम आएगा क्या, तो वो अनपराधक नहीं होता है, वो वेर बढ़ेगा। हाँ, उससे ज्ञानियों की ये दृष्टि से ही अनपराधक होता है, बहुत यही वितरक है, ये होना चाहिए। मुझे यदि ये दृष्टि मिली है तो किसी के अपराध की कंप्लेन तो न करूं, नोट भी न करूं, मगर ऐसा कि अनपराधक हो जाए, बराबर बहुत बड़ी परीक्षा है। आपने जॉब अच्छा दिया था ना, बड़ा बढ़िया दिया। अब माता पिता है बच्चों की छोटी मोटी कंप्लेन कर लेते हैं, जिन्हें थर्मोमीटर अंदर रखा कि आप ऐसे होने चाहिए कि बच्चे ऐसे हो जाए, आप जो है पत्नी की छोटी मोटी फरियाद करते हैं तो थर्मोमीटर अंदर होना चाहिए कि आपकी हाजिरी ऐसी होनी चाहिए कि सामने वाला ऐसा हो जाए। सही है, चलो आगे आगे जल्दी। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। ऑलमोस्ट टाइम थई गयो छे, एक क्वेश्चन लाइए आपणे। जरूर कीर्ति बेन। कीर्ति बेन घड़ी बहुत जल्दी चल गई। टाइम टाइम नो वेट्स फॉर नोबडी। Kirtiben bolo, can you have, we don't have time, only 3 minutes we have. Kirtiben bolo. She's any problem. Kirtiben, we cannot hear you. आगे चल दीजिए। हाँ, अभी अभी खत्म करेगा। शैलेशानंद जी, अबे आपके experience का time हो गया, तो आपने तो बहुत अपना experience बोला, बाद में भी कुछ इनर परिवर्तन का एक्सपीरियंस होगा तो लेंगे। पर दीपक आनंद जी, हमारे यहाँ बहुत सारे लोग अपने अनुभव कहने आए, आज जो हमारे बीच आ रहे हैं वो प्रोफेशनल है, और प्रोफेशनल बिल्कुल व्यस्त रहते हैं और अपने व्यस्त जीवन में वे दादा भगवान के विज्ञान को कैसे उपयोग करते हैं और उनका क्या अनुभव है हम देखें। जय सच्चिदानंद आनंद जी। जय सच्चिदानंद जी भगवान। जय सच्चिदानंद। आ रही है मेरी आवाज, सही आ रही है? यस यस आ रही है बिल्कुल।
दादा भगवान के असीम जय जयकार हो। नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियाणम, नमो उवज्जायाणम, नमो लोहे सब साहुणम, ऐसो पंच नमोकारो सब पाव प्रणाशिनो, मंगलानम च सर्वेसिम पद्मम हवै मंगलम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदान। सभी आप्त पुत्रों को और सभी संकीर्तधारी महात्माओं को मेरा नमन। मेरा नाम अनंत रांका है, मैं अहमदाबाद का रहने वाला हूँ और प्रोफेशनली मैं सीए हूँ और अभी सीए की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैंने मेरा दादाजी से परिचय, मतलब दादा भगवान के ज्ञान के परिचय 2002 में पापा के निमित्त से हुआ। बाद में 2004 में मैंने ज्ञान विधि ली, पापा ने नाम लिखवा दिया था और फिर मैं ज्ञान विधि में बैठ गया था। तब तो उम्र छोटी थी तो इतना कुछ पता नहीं चलता था, लेकिन पहले से मतलब मेरे को ऐसे विचार आते थे कि ये संसार में से छूटने का कैसे, फिर ये आकाश के ऊपर क्या है, मृत्यु के बाद क्या। तो धीमे 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 मुझे ज्ञान में भी इंटरेस्ट आने लगा। फिर पापा शिविर में नाम लिखवा देते तो शिविर में जाते थे, फिर जैसे कि कामरेज में शिविर हो या तो कैलनपुरी में हो, तिवरी में हो, तो वैसे वैसे शिविर में जाने का स्टार्ट हुआ। तो धीमे धीमे शिविर में जाने का भी मतलब इंटरेस्ट क्रिएट होने लगा और स्पेसिफिकली यूथ शिविर में जाने का बहुत अच्छा लगा। क्यों? क्योंकि वहां पे कोई टेंशन नहीं, खाओ पियो, विधि करो, सत्संग करो और गेम्स खेलो और फिर बस आराम से सो जाओ, ऐसा। तो ज्ञान के प्रति धीमे धीमे रुचि बढ़ने लगी, लेकिन पैरेलली संसार में भी अच्छा लगता था। फिर ये करना है, वो करना है, ये भोगव लेना है, ये सब भी रहता था। लेकिन अब जब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि धीमे 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 मतलब मैं जो जितना पहले इमोशनल होता था वो बहुत ही कम हो गया। और मतलब पता चलता है कि ज्ञान स्वयं क्रियाकारी है। पहले मुझे लगता था कि यार मैं जाता हूँ सत्संग में लेकिन उसका कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा है, मैं जाता हूँ बैठता हूँ लेकिन अभी भी दोष तो हो ही रहे, वो हो रहा है, फिर क्रोध हो रहा है, मान हो रहा है, माया लोभ विषय ये सब तो हो रहे, तो कुछ फर्क तो हो नहीं रहा है। लेकिन धीमे धीमे अभी जब देखता हूँ तो पता चला कि इनर जो डेवलप हुआ है वो मतलब स्वयं अपने आप ही हो रहा है। और अभी लग रहा है कि स्थिरता भी बढ़ती जा रही है, फिर भय कम हो गया, इमोशनल पना कम हो गया। और तो ये दादा का मतलब विज्ञान जो है वो ऐसा लगता है कि वो स्वयं क्रियाकारी है। ऐसा लगता है हमें कि भाई नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, लेकिन सब धीमे धीमे अच्छा होता जा रहा है। फिर अभी फिर मुझे पहले से ही पद सुनने का बहुत मतलब अच्छा लगता था और कविराज जी का मतलब मुझे बहुत उनके प्रति आकर्षण भी रहता था। तो उनके एक एक पद में सुनूं तो मतलब बहुत ही मुझे शांति होती थी। और कभी भी कोई भी दुख आए तो पद का मतलब मैं सुनता था और ऐसा लगे कि ये पद कैसे बन गए, मतलब एक दो लाइन भी ऐसी लिखनी हो वो भी सेम राग और वैसा तो कितना डिफिकल्ट है और ये मतलब कैसे लिख दिया ऐसा। तो वो बहुत ही एक अच्छा अनुभव हुआ। फिर मेरे ऑडिट के काम से मुझे मुंबई जाने का आया तो मैंने कविराज जी से वहां पे मिलने का हुआ और फिर उनके दर्शन करने का मौका मिला। और उनको देखकर मतलब ऐसा लगा कि इतने सारे पद लिखने वाले और वो भी इतने बढ़िया, और उनकी सरलता देख के मतलब मैं तो एकदम सरप्राइज रह गया कि बिल्कुल मतलब कुछ नहीं। और मतलब उन्होंने मुझे घर पे बुलाया, फिर मुझे इडली का नाश्ता करवाया, मेरे साथ जो ऑडिट करने आया था बंदा उसे भी मतलब ये नाश्ता करवाया। और वो बंदा मुझे पीछे से बोला, यार मुझे इनको मिलके बहुत अच्छा लगा, वो उसने नहीं ज्ञान लिया था ना ज्ञान के बिना बारे में कुछ सुना था, लेकिन उनकी सरलता और मतलब के ऐसा लगा कि हम दो तीन पुस्तकें पढ़ के अपने आप को क्या समझ रहे हैं। और वो इतने अच्छे पद का मतलब निर्माण करने वाले और उन्हें मतलब इतनी सरलता, तो मतलब उस दिन तो मैं एकदम क्या बोलते वो पानी पानी हो गया ऐसा। फिर अभी जैसे कि लॉकडाउन आया
लॉकडाउन में थोड़ा फ्री टाइम मिला। पहले तो क्या रहता था कि भाई काम है, थोड़ा ये कर लेते हैं, एक बार ये अचीव कर लेते हैं, ये असाइनमेंट पूरा कर लेते हैं, फिर थोड़ा ज्ञान में ज्यादा ध्यान देंगे, वो करेंगे, ये करेंगे। तो बट ऑटोमेटिकली ये लॉकडाउन का सहयोग आया और अच्छी टाइम भी मिली। वो कहते हैं ना कि काल 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 क्या रे आवती ज नथी, आज 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 घड़ी आ पड़ी रे। तो मतलब वो मुझे अनुभव हुआ कि यार अपने सोच रहे कि कल कर लेंगे, कल कर लेंगे, पर ये कल कब आएगी, इतने साल तो निकल गए, तो और कल का कोई भरोसा है तो चलो अपने बैठे भी सही, वो कोई भरोसा नहीं। तो फिर ये सहयोग आया और फ्री टाइम मिला, फिर बहुत सारे आप्त पुत्र के सत्संग सुनने को मिले। स्पेसिफिकली अपने जो भरत आनंद जी और मिनेश आनंद जी का रहता था यूके से जो वेबकास्ट, वो सुनने को मिला। और मतलब मुझे तो दादा प्रति अहो अहो होने लगा कि कोई भी सत्संग में एक दो वाक्य तो ऐसे आते थे कि क्या मतलब मुझे एकदम टच कर जाते थे कि दादा ने क्या वाणी बोली है मतलब। और मतलब फिर मेरा तो इंटरेस्ट मतलब बढ़ने लगा। पहले भी इंटरेस्ट था लेकिन क्या था कि वो कि भाई हाँ करेंगे करेंगे, बट अभी क्या टाइम भी मिला और उसका अच्छे संयोग भी मिल गए। फिर पापा के निमित्त से श्रीमद राजचंद्र जी का अपूर्व अवसर सुनने में आया। वो अपूर्व अवसर मैंने और पापा ने सुना और हम तो मतलब रो पड़े वो सुनते सुनते कि क्या श्रीमद राजचंद्र जी को क्या वैल्यू थी आत्मा की और आत्मज्ञान की। और दादा के प्रति अहो अहो हो गया कि हमें क्या दे दिया दादा ने मतलब ऐसा। और फिर ऐसा लगता था कि मतलब वो दादा बोलते थे ना कि एक हाथ में तुमको हीरा पकड़ा दिया है लेकिन हमें चॉकलेट की पड़ी है ऐसा। मतलब बहुत अच्छा लगा ऐसा। एक एक मिनट फिर उनका श्रीमद राजचंद्र जी का आत्मसिद्धि शास्त्र सुनने में आया, फिर उनका मंगल मैत्री सुनने में आया। तो मतलब लगा कि क्या उनके अंदर मतलब क्या वैल्यू की थी उन्होंने आत्मा की और क्या मतलब उनके अंदर वर्तना थी मतलब। और दादा के प्रति हुआ कि दादा ने हमें ये सब दे दिया है लेकिन हम अभी भी मतलब उसकी वैल्यू नहीं कर पा रहे ऐसा। फिर अभी अभी थोड़े दिनों से मतलब ये दादा वाणी का जो क्लिपिंग आता है ऑडियो क्लिप, वो सुनने में आया। अब पहले तो मेरे को दादा वाणी मतलब दादा की वाणी में इतनी सुनता नहीं था और पता नहीं मतलब मुझे इतना आकर्षण भी नहीं होता था, पर एक दो मैंने सोचा कि एक दो बार सुने ऐसा। जब मैंने वो ऑडियो क्लिप सुननी स्टार्ट की ना तो मुझे लगा कि क्या वाणी है मतलब। और मुझे ऐसा लगे कि मेरे सामने ही बैठ के दादाजी मुझे सत्संग करवा रहे हो ना वैसा लगे। जो मेरा रोग हो ना वहां जाके मतलब डायरेक्ट अटैक हो जाए और एकदम बोझा मेरा एकदम हल्का हो जाए मतलब। बहुत अच्छा लगा। और जैसे जैसे मतलब वो दादा की वाणी की मुझे मतलब पता चल रहा है, जैसे उनकी दशा पता चल रही ना, तो मुझे उनको नमन करना नहीं पड़ रहा पर उनके लिए अहो अहो हो ही जाता है मतलब। मैं नमस्कार नहीं करता तो भी मतलब कि यार उनको कोई भिखारी बना नहीं, ना कोई मान चाहिए, लक्ष्मी नहीं, कुछ भी भिखारी बना नहीं। और कितना मतलब सरलता से वो बोलते हैं मतलब। फिर जैसे ये इंटरेस्ट बढ़ता गया फिर ये अक्रम विज्ञान पढ़ने में आई, ये अगस्त मंथ का जो अंक है। मेरे को पढ़ने में इतना कोई इंटरेस्ट नहीं मतलब, और धार्मिक बुक्स तो मैं ज्यादा पढ़ता ही नहीं हूँ, पर मैंने इस बार सोचा कि चलो टाइम है थोड़ा एक दो वाक्य तो पढ़ते। तो मैंने एक दो वाक्य से स्टार्ट किया और इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने 40-50% बुक एक ही दिन में पढ़ डाली। और जो वाणी निकली है चार्ज डिस्चार्ज पे मतलब मैं तो ऐसा लगता है कि दादा ने क्या बोल दिया मतलब। मेरे को तो अंदर से बहुत ठंडक हो गई ऐसा। और अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब ये विज्ञान जैसे जैसे मुझे समझ में आ रहा है ना तो अंदर से एकदम स्थिरता ठंडक और जो इमोशनल पना जो पहले मैं देख रहा हूँ तो मुझे बहुत ही मतलब इमोशनल हो जाता था, अभी वो धीमे धीमे कम होते जा रहा है। तो अभी मुझे लगता है कि अगर मेरे को चपटी भर चखने से अगर इतना अच्छा स्वाद आ सकता है तो अरहंत परमात्मा को और दादा भगवान को कैसा वर्ता होगा। और मतलब अभी तो यही लक्ष्य हो गया कि नहीं बस अपना भी फुल मून होना ही चाहिए मतलब, और उसके लिए पुरुषार्थ अभी बस करते ही रहना है ऐसा।
तो बस मेरी तो अब अनंत परमात्मा से, दादा भगवान से, सभी ज्ञानी भगवंतों से, आप्त पुत्रों से और सभी समकितधारी महात्माओं से एक ही प्रार्थना है कि ये जो दर्शन है, ये दर्शन मेरा जो वितराग विज्ञान का दर्शन खुलता जाए और मैं मोक्ष स्वरूप होता जाऊं, और ये जो सुख का मुझे स्वाद आया है वो पूर्णता से खिल जाए, बस यही यही मेरी अब सबसे प्रार्थना है। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। आपकी सत्संग की यात्रा तो बड़ी अच्छी रही। एक बात तो है कि पिताजी से, जय सच्चिदानंद, पिताजी से आपको ये सत्संग परिचय हुआ। जय सच्चिदानंद, अभी टाइम है, अभी टाइम है, हाँ अभी टाइम है, खत्म नहीं हुआ है, जय करने का टाइम नहीं है, अभी अभी सुनना है। सबसे बड़ी बात जो बार बार आपसे मुख से निकली कि यह ज्ञान स्वयं, अभी सुनिए। हाँ रविंद्र जी, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, हर रोज उनका जय जय आता है। हाँ जी, जय सच्चिदानंद। तो आपको ये जो परिचय हुआ और ज्ञान विधि तो हो गई, लेकिन ये जो शिविर में जाना हुआ तो उससे जो थोड़ा थोड़ा चार्जिंग हुआ, लेकिन उससे ये जो आपको अनुभव जो हुआ है ना, वो बहुत अच्छी बात है कि ये ज्ञान स्वयं क्रियाकारी है। एक दो मिनट में एक और बोलता हूँ कि जैसे बोलिए बोलिए, पापा ने मुझे बोला कि अनुभव बोलना है, तो पहले अंदर से तो आया नहीं बोलना, बोल के क्या करना है, अनुभव क्या करेंगे, मतलब क्या फायदा, तो अंदर से प्रज्ञा वापिस आई, नहीं भाई बोलो, देखते अंदर क्या क्या असर होती है, कौन कौन बोलता है। फिर मैंने तो अंदर से होता है कि भी कैसे बोलेगे, क्या करेगी, तो मैंने तो बोल दिया दादा भगवान को सौंप दो, उनको जैसा बोलना हो गया बोलेगी, और वो भी मतलब ये छुटापना का प्रयोग हो गया मेरे लिए, तो के कौन बोलता है, मतलब अभी भी वो असर है, नो डाउट कम हुई है, बट ज्ञानी पुरुष के कंपेरिजन में अभी भी असर है, ऐसा मैं बोलने वाला हो जाता है, वो भी मुझे दिखा, फिर वो असर हो जाती है, वो भी मतलब एक ये अनुभव में अनुभव हो गया मुझे ऐसा। बात सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन ये स्वयं क्रियाकारी का मतलब क्या है कि जिनसे आपको मिला है नी दृष्टि, जो मूल है ना मूल, हाँ वो मूल क्रियाकारी था उनके अंदर, इसके लिए वो जो पानी हमें मिला है ना, तो हमारे अंदर वो काम करता ही है। वो तो उनकी वाणी में मुझे क्या अभी बोलते पता है, हाँ वो तो दादा की वाणी में मुझे तो अभी प्रत्यक्ष ही लगती है, अगर मैं उनको अक्रम विज्ञान पढ़ा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरे सामने पढ़ के मुझे ही बोल रहे हैं कि भाई तू क्या कर रहा है। बात सही, एक और स्पष्टता करता हूँ, हाँ? कई लोगों ने यह ज्ञान दीक्षा नहीं प्राप्त की है और अक्रम विज्ञान पढ़ा, आप्तवाणी पढ़ी, बोले कुछ पल्ले पड़ता नहीं है। मेरे खुद बहनोई ने सभी आप्तवाणी पढ़ ली, ओके, लेकिन बोले मुझे कुछ समझ में नहीं आया था तभी, लेकिन बस मैंने पढ़ ली थी, लेकिन जैसे ये ज्ञान दीक्षा प्राप्त हो गई तो तब मैं जब पढ़ने लगा तो बोले मुझे सब समझ में आने लगा। ओह ये तो है, ये इम्पोर्टेंट बात क्या है कि ये जो हमें बैटन मिला है ना ज्ञान का, द सोर्स इज अल्टीमेट, वो ये तो मैं आपको नहीं, ये जैसे कि साध्वी वैभवश्री जी करके है, उनका भी मतलब मुझे ये सत्संग सुनने में आया, वो बहुत साइंटिफिक समझाते कोई भी शब्द का या वो मीनिंग, पर दादा का चश्मा है ना, तो मतलब एक अलग ही अनुभव होता है, मतलब मुझे एक सत्संग में वो एक समय के लिए तो इतनी ठंडक हो जाती है कि कोई सब चिंता है सब दूर हो जाता है, मतलब अपना स्वरूप का एक अनुभव हो जाता है, और वो उसके लिए मुझे मतलब पता है कि दादा का वो चश्मे है तो ही अनुभव हो सकता है, बाकी मतलब मेरी तो तेवड़ नहीं है ऐसा, किसी की नहीं, दादा भगवान ने खुद बताया कि ये ज्ञान मेरा नहीं है, वे ऋषभदेव भगवान का है। सही है। और उनकी जो कनेक्टिविटी थी इसके आधार पर हमें प्राप्त हुआ है और हम इसका स्वाद ले रहे हैं, इसका ये समझना है कि ये कैसे स्वयं क्रियाकारी है। सही। और इसका ये जो आपको
पक्का जो अनुभव हुआ है और खास करके ये लॉकडाउन में बहुत सारे ऐसे संयोग मिले, मेरे लिए तो ये अपूर्व अवसर हो गया है। हाँ बिल्कुल। और जो ये जो आपने अपूर्व अवसर की जो पद सुना श्रीमद राजचंद्र, अरे वो तो मैं सुन के मतलब रो गया, मतलब ऐसा वो तो हमने देख लिया है। ये है ना, कभी हमने लोगों के लिए रोए, कुछ खो गया तो रोए, लेकिन खुद के लिए यानी स्वयं खुद कौन है और ये जो पहचान होनी और रोना, ये बहुत अच्छा है। वो कभी रोए नहीं है, कभी भी रोए नहीं है, और ये रोए ना तो बोला हमारा काम अभी खत्म ही हो गया है। और एक और बात, एक अच्छी बात बताता हूँ एग्जाम्पल। हमारे शाह साहब थे ना, उनको दादा भगवान के समय में एक्सीडेंट हुआ था, यानी थोड़ा गिर गए थे, फ्रैक्चर हो गया था, और वो 3 महीने बेड रिडन हो गए थे। तो तब दादा भगवान ने बताया, आपको लॉटरी मिली, मतलब उसी तरह से हमें भी लॉटरी मिली ये लॉकडाउन के कारण, कि हमें कहीं जाना नहीं है, ये घर के बाहर नहीं है, केलनपुर के गेट के बाहर नहीं गया, एक बार बाल कटाने के लिए गया था 4 months नाउ। तो ये बात है, कभी ये ज्ञान तो मिल गया, लेकिन उसको ये जो खिलने का बढ़ने का जो मौका मिला है वो अच्छा है। मतलब मुझे तो लॉटरी का अनुभव हो रहा है, मतलब ऐसा है। बस तो अभी आपने प्रोफेशनली तो बहुत सारे ऑडिट किए, अभी अनंत जी का ऑडिट करना है, बड़ा अच्छा होगा। मैं तो बहुत मजा आता है, बिल्कुल सामने से कोई प्रॉब्लम भी नहीं ना। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये और आपने ये दो एक दो बात जो ये ऑडियो क्लिप पढ़ना शुरू सुनना शुरू किया वो तो बहुत बढ़िया लगा। मतलब अब तो मेरा एक नियम हो गया है कि एक दो ऑडियो क्लिप तो सुनी लेने की, और वो जो ग्रुप में आता है ना वो सुन ही लेना है, ऐसा। करेक्ट, ये जो डिटर्मिनेशन हुआ ना, निश्चय हो गया ना, और आपने ये एक बार पक्की कह दी कि अभी तो अरे बोल सकते हैं, आपका ही दिन है। आप तो ग्रुप में मुझे ऐसा दिखाई लग रहा है कि मतलब एकदम खिल गए आप, और मतलब सब वो मतलब तीर्थंकर भगवान कैसे खिलते, और खिल खिल के हम लोगों को इतना मतलब आनंद में रखा है ना आप, अभी 4 महीना में मुझे बहुत आनंद लगा, बहुत आनंद लगा। और एक दो कली में बोलती हूँ, बोलिए बोलिए। पद हमें केवा पुण्यशाली भगवान ने भूमिका आदे हमें नियारी, हमें केवा भाग्यशाली ज्ञानी पुरुष पाते मोक्ति निसावी बारी। बिल्कुल सही बात, जी जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद साहब। आप आपके पूरे लाइन में है, अगले हफ्ते फिर और अगले हफ्ते। जय सच्चिदानंद, खूब खूब आभार, धन्यवाद, बहुत बहुत जय सच्चिदानंद। हमने आशीर्वाद आपको के बस कोई जिंदगी अभी संतान ना मांगी है, तो बिल्कुल मांगी है बस, अभी छुटकुट नहीं दिए हुए। जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद। प्रणव अनंत, बहुत सरस, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस किया, दो फीडबैक आया, एक टोरंटो से आया, आपका छोटे उम्र में अमेजिंग जर्नी, और यूएसए एक्सेलेंट अनुभव और लर्निंग एग्जांपल फॉर अस टू। मेरे को तो छोटी अनुभव नहीं, छोटी उम्र नहीं लगती, अब 30 तो गुजर गए। अब भरोसा कहाँ है। तो ये सब रिलेटिव है कंपेयर टू अस, नहीं रिलेटिव है कंपेयर टू अस की बात हो रहा है। ऑल द बेस्ट, ऑल ऑन बिहाफ ऑफ महात्मा, all my thank you a lot of blessings to continue this way. आपको भी बहुत जय सच्चिदानंद, आप भी बहुत ही मतलब अनुमोदन है। दीपकान जी सब करते हैं, हमें हम आपका थोड़ा तेरना, we will hear one experience from Shailesh Anand ji and then we'll do arti together. Shailesh Anand ji, yes.
जय सच्चिदानंद। हमारे तो अपना बधाई अनुभव की यात्रा छे, हिंदी 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 अपनी सबकी अनुभव की यात्रा है। और नीना जी ने जो बताया तो तीर्थंकर भगवान जहाँ बैठे हैं, केवल ज्ञानी भगवंत बैठे हैं, और दादा भगवान का जो अनुभव, तो निरंतर मैं चैतन्य घन स्वरूप ऐसा शुद्धात्मा हूँ और अपने गुणधर्मों के साथ वही स्वरमणता जिसे बोलते हैं, हर रिलेटिव की जो भी अवस्था हो वो रिलेटिव है, वो रिलेटिव रियल है, वो व्यवहार सत्य है, और मैं निश्चय सत्य तो अपने खुद के गुणों की, तो वो चैतन्य घन स्वरूप की आराधना करते करते जितना मैं रह पाऊं तो फिर अपने आप ही मुझे मेरे स्वरूप में ही आनंद और उसका अनुभव बढ़ता रहेगा, और बाकी का रिलेटिव करना नहीं है, वो तो अपने आप अपनी जगह पे हो जाएगा। मुझे अपनी जगह पे मेरा अनुभव बढ़ाता रहना है, वही बस मेरा अनुभव है। और शुद्ध उपयोग से शुरू होती हुई यात्रा व्यवहार की भिन्न भिन्न भूमिका और भिन्न भिन्न अवस्थाओं तो व्यवस्थित के अधीन चलती रहेगी, मगर मैं इसीलिए हम शुरुआत में भी सिद्ध स्तुति के वाक्य बोलते हैं, और दिन में हमारा ये अनुभव बढ़ता रहे, बनना रहे, बढ़ता रहे, बस वही दादा भगवान ने, दादा भगवान को भी उस रूप में अनुभव किया। व्यवहार की कोई भी अवस्थाओं में वो खुद कभी अपने परमात्मा स्वरूप से बाहर नहीं थे, पूरे अनुभव के साथ थे, और वही हमारे लिए अनुभव की या पुरुषार्थ की यात्रा है। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। वेरी गुड। आप अभी त्रिमंत्र बुलाए और रेंका फैमिली आपके साथ फॉलो करेगा। नमो वित्रागाय, ओ वित्रागाय, नमो अरिहंतानम, नमो अरिहंतानम, नमो सिद्धानम, नमो सिद्धानम, नमो आयरियानम, नमो आयरियानम, नमो वज्जायानम, नमो वज्जायानम, नमो लोहे सवसाहुनम, नमो लोहे सवसाहुनम, एतो पंच नमुक्कारो, एतो पंच नमुक्कारो, सव पावप्पनाशनो, मंगलानंच सव्वेसिम, मंगलानंच सव्वेसिम, परमं हवै मंगलम, परमं हवै मंगलम, नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, जय सच्चिदानंद, सच्चिदानंद। तो नीना जी की बात में अंतिम बात, दादाजी के लिए कहा जाता था, देह छता जेनी दशा वर्ते देहाती, ज्ञानंजन मा पण छे, शरीर छता जे अशरीरी भावे विचरे छे तेने वर्तन करो। जय सच्चिदानंद।